नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपसे एक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, इस प्लांट का नाम है गिलोय। आप सबने हो सकता है इसका नाम सुन रखा हो, या फिर कुछ लोगों ने ना भी सुना हो। तो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आयुर्वेद में इस प्लांट का जो ये जड़ी बूटी है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों, इसमें जैसे किसी को पुराने से पुराना बुखार हो और वो ठीक नहीं होता हो, तो ये बुखार को उतारने की क्षमता रखता है। अगर हम इसका रोज़ प्रयोग करें तो हमें बुखार आएगा ही नहीं। और छोटे बच्चों को जैसे खांसी जुकाम हो जाता है और कफ वगैरह ये रहता है, इसकी ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उनको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, तो उसको ठीक करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्लांट की पत्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, ये देख रहे हैं आप, और ये ऐसी इस तरह से इसकी बेल होती है इस तरह से। तो दोस्तों, ये इस प्लांट को अमृता के नाम से भी जाना जाता है। तो अमृता से मतलब इसमें कुछ अमृत जैसे गुण होंगे, तभी तो इसका नाम अमृता पड़ा होगा। तो ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है। अगर हमारे पास जगह का ज़्यादा टुकड़ा नहीं है तो हम इसे गमले में भी लगा सकते हैं, और अगर ज़मीन का टुकड़ा है कहीं बड़ा है तो कहीं पेड़ लगा है तो पेड़ के नीचे इसको लगा सकते हैं। तो इसकी लंबी सी बड़ी सी बेल हो जाती है और पत्तियाँ कुछ इस तरह से होती हैं। तो बस ये है कि सर्दियों में इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फिर ये खाली बेल दिखती है। पर दोस्तों, कोई बात नहीं, वो जल्दी से इसकी पत्तियाँ भी आ जाती हैं और खाली पत्तियों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि इतने ज़्यादा फायदे हैं इसके। तो अगर कुछ टाइम के लिए खाली पत्तियाँ भी रह जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कैंसर के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। और किसी को दांत वगैरह हो जाती है, उसकी दांत ठीक नहीं होती है, तो इसकी पत्तियों को मसल के अगर हम उसके जो इसमें जूस निकलेगा उस जूस को हम उस जगह पे लगाते हैं, दांत वाली जगह पे, तो दांत ठीक हो जाएगी। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण जल्दी से फेस पे रिंकल नहीं आते हैं, तो लंबे टाइम तक ये बुढ़ापे को दूर रखता है और बंदे को जवान बनाए रखता है। तो दोस्तों, जवान रहना कौन नहीं चाहता, बूढ़ा होना कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए हमें इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो चाहे तो जैसे ये इसके डंठल हैं, ये मैंने कुछ इस तरह से काटे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से काटे हैं। तो इसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है, तो आप इसको सुबह चबा के खा भी सकते हैं, और या फिर इसके जो डंठल को छोटे छोटे काट के इनको जब आप कोई जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं, जिस तरह से चाय बनाते हैं, तो उस तरह से ये काढ़े में इसको डाल सकते हैं और वो काढ़ा आप पी सकते हैं। ये बात कफ और पित्त को तीनों को ये बैलेंस में रखता है, तो इसको कोई भी खा सकता है। जैसे गर्म तासीर वाले हैं वो भी खा सकते हैं, ठंडी तासीर वाले हैं वो भी इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। जैसे ये इस तरह से ये कुछ दिखती है।
तो जैसे ही आप इसको मिट्टी में लगाओगे तो इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और हरी हरी पत्तियां भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है, चाहे तो पत्थर वाली मिट्टी हो और चाहे किसी भी तरह की मिट्टी हो, तो ये चल जाता है। तो ये पहाड़ी इलाकों में भी बहुत पाया जाता है, और पहाड़ी इलाकों में तो जैसे जंगली जगहों में तो ये अपने आप ही बेल उगी हुई होती है और पेड़ों के साथ लिपटी हुई होती है। तो आप समुद्री इलाकों की तरफ चले जाएं जहाँ प्लेन्स हैं, तो उस तरफ भी ये बेल उगाती है। तो इसको अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप अपने गमले में लगा लीजिए। तो आप रोज़ इसका इस्तेमाल करिए, और खांसी जुकाम है आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप काढ़ा बना के इसका पी सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरह से है ये, और ऐसे इसकी पत्तियां आते हैं, ये भी है। तो दोस्तों, मैं तो किसी भी चीज़ में प्लांट्स लगाने में मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने तो ये खाली जो मेरे तेल का डिब्बा था तो मैंने इसमें लगा ली हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से है कुछ इस तरह से। और अभी आप बरसातों में लगाओगे तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होगी। तो लगाना कैसे है इसको, ये ऐसे कटिंग्स मैंने ये ऐसे की हुई हैं, और ऐसे सीधे मिट्टी में किसी भी, अगर आपके पास कोई खाली गमला नहीं है, पहले से कोई प्लांट लगा है तो उसकी साइड में ऐसे ही लगा दो, बस इस तरह से कुछ ऐसे मिट्टी में दबा दो, ये ऐसे दबा दो मिट्टी में, ये ऐसे। और मैंने ये तीन चार कटिंग कर रखी हुई है, ये इस तरह से कुछ आप ऐसे दबा दो इस तरह से। और उसके बाद फिर आप इसमें पानी दे दीजिए, ऐसे ये पानी दे दिया। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपके पास छोटी सी क्यारी है तो क्यारी की साइड में लगा सकते हैं, और जब इसकी रूट्स बन जाती हैं और पत्तियां आ जाती हैं तो फिर इसको आप अपने मनपसंद जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी बड़े पॉट में लगा लीजिए, चाहे तो क्यारी में ही लगा लीजिए। कोई पेड़ लगा है साइड में तो पेड़ से ये बेल ऐसे ही निपटी रहेगी। तो आप कैसे भी इसको चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा गिलोय का प्लांट, जो बहुत ही फ़ायदे देता है, और कैंसर के मरीजों को भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये खूब अच्छा रखता है, और कई सारी बीमारियों को ये दूर रखता है। तो दोस्तों, अगर जिन भाई बहनों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो नेट में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके भरपूर गुणों के बारे में इसका पता चलेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हमारे घर में भी ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। और पानी तो बिना पानी के भी ये काफ़ी दिनों तक टिक जाता है। तो जैसे कि आपने इसकी कटिंग लगानी है शुरू शुरू में, जैसे ये ऐसे कटिंग करके लगानी है, तो जब तक रूट्स नहीं आती तब तक तो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद तो फिर ये नॉर्मल जैसे बाकी प्लांट्स को पानी देते हो तो वैसे, और बस ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा ठीक होना चाहिए और किसी भी तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाएगा। और पहाड़ों में तो दोस्तों मैंने देखी, बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं उनमें भी ये उगे हुए होते हैं, जैसे कोई पेड़ निकल आता है और पेड़ के साथ ये लिपटी हुई मैंने कई जगहों में देखी हैं। तो शहरों में तो इतनी जगह नहीं होती है लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसे गमलों में ही लगाते हैं या किसी डिब्बे में लगा ली। और अगर बाद में कोई और जगह आपको अपनी मनपसंद याद आती है कि नहीं हमें वहाँ लगाना चाहिए, तो अगर एक बारी आपके गमले में ये हो जाती है तो कटिंग करके आप फिर इसको कहीं भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बेल है इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप इसको कटिंग करके जैसे ये ले आते हो तो ये काफ़ी दिनों तक सूखती नहीं है। तो आप इसे किसी भी बैग में, पॉली बैग में या कागज़ के बैग में
थोड़े दिन बंद करके भी रख सकते हो, चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हो। तो अगर ये सूख जाती है तो इसका आप पाउडर बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और चाहे तो इसको पानी में बॉयल करके इसका पानी पी सकते हो, चाहे तो इसको कूट करके बिना पानी बॉयल किए पानी में डाल दीजिए, और छान के जो इसका स्टार्च होगा चिपचिपा सा यहाँ से ये निकलता है, एक पदार्थ निकलता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वो पानी के नीचे ग्लास में बैठ जाता है, तो आप उसका सेवन करिए तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह, किसी को नहीं है, जिस किसी को नहीं है वो पहले से इसका इस्तेमाल करता है हर रोज़, तो उसको कभी भी होने की समस्या नहीं होगी। अगर हो गई है किसी को तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। और किडनी या लीवर की किसी को प्रॉब्लम है, और किडनी या लीवर में टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं तो उनको ये फ्लश आउट कर देता है, और इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। उससे क्या होता है कि बीमारियां कभी भी पास नहीं आती हैं, बंदा बीमार नहीं रहता है और हमेशा अच्छा और तंदुरुस्त बना रहता है। तो दोस्तों जब हमारे पास हमारे इर्द गिर्द इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं तो हमें इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और अगर हमें इनके बारे में पता चल जाता है तो इन जड़ी बूटियों को हमें अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। तो होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो का लिंक आगे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। दोस्तों ये एक प्लांट और मेरे पास ये हड जोड़ है, मैं इसके बारे में भी फिर मैं बात करूँगी। और ये भी मेडिसिनल प्लांट है और हड्डी जोड़ने में भी इसका बहुत महत्व है, तो इसके बारे में भी मैं फिर बात करूँगी। तो आज मैं इसके बारे में, गिलोय के बारे में बात कर रही थी। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरा प्लांट पसंद आया होगा, और ये खूबसूरत ही नहीं लगता, जब खूब अच्छे से फैल जाता है तो खूब हरा भरा अच्छा देखने में लगता है, बस सर्दियों में इसकी पत्तियाँ ज़रा झड़ती हैं। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिए, हर रोज़ इसका इस्तेमाल करिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखिए। और अगर आप रोज़ इस्तेमाल करते हो, और थोड़ा सा ये कड़वा होता है बस, तो कोई बात नहीं, अगर इतने फ़ायदे मिल रहे हैं तो उस कड़वेपन को भी आप सहन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर फेस पैक में भी इसका इस्तेमाल करते हो, खाते भी हो, तो आपके फेस पे बहुत लंबे टाइम तक रिंकल नहीं आएंगे और आप काफ़ी लंबे टाइम तक जवान बने रहोगे। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूंगी। धन्यवाद दोस्तों। और पहाड़ों में तो दोस्तों मैंने देखे बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं उनमें भी ये उगी हुए होते हैं, जैसे कोई पेड़ निकल आता है और पेड़ के साथ ये लिपटी हुई मैंने कई जगहों में देखी हैं। तो शहरों में तो इतनी जगह नहीं होती है लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसे गमलों में ही लगाते हैं या किसी डिब्बे में लगा ली। और अगर बाद में कोई और जगह आपको अपनी मनपसंद याद आती है कि नहीं हमें वहाँ लगाना चाहिए, तो अगर एक बारी आपके गमले में ये हो जाती है तो कटिंग करके आप फिर इसको कहीं भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो बेल है इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, अगर आप इसको कटिंग करके जैसे ये ले आते हो तो ये काफ़ी दिनों तक सूखती नहीं है। तो आप इसे किसी भी बैग में, पॉली बैग में या कागज़ के बैग में थोड़े दिन बंद करके भी रख सकते हो, चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हो। तो अगर ये सूख जाती है तो इसका आप पाउडर बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और चाहे तो इसको पानी में बॉयल करके इसका पानी पी सकते हो, चाहे तो इसको कूट करके बिना पानी बॉयल किए पानी में डाल दीजिए, और छान के जो इसका स्टार्च होगा चिपचिपा सा यहाँ से ये निकलता है, एक पदार्थ निकलता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है।
तो वो पानी के नीचे ग्लास में बैठ जाता है, तो आप उसका सेवन करिए तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह किसी को नहीं है, जिस किसी को नहीं है वो पहले से इसका इस्तेमाल करता है हर रोज़, तो उसको कभी भी होने की समस्या नहीं होगी। अगर हो गई है किसी को तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। और किडनी या लीवर की किसी को प्रॉब्लम है और किडनी या लीवर में टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं तो उनको ये फ्लश आउट कर देता है। और इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग, कफ और पित्त को, तीनों को ये बैलेंस में रखता है। तो इसको कोई भी खा सकता है, जैसे गर्म तासीर वाले हैं वो भी खा सकते हैं, ठंडी तासीर वाले हैं वो भी इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों इस जड़ी बूटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। जैसे ये इस तरह से ये कुछ दिखती है, तो जैसे ही आप इसको मिट्टी में लगाओगे तो इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और हरी हरी पत्तियां भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है, चाहे तो पत्थर वाली मिट्टी हो और चाहे किसी भी तरह की मिट्टी हो तो ये चल जाता है। तो ये पहाड़ी इलाकों में भी बहुत पाया जाता है, और पहाड़ी इलाकों में तो जैसे जंगली जगहों में तो ये अपने आप ही बेल उगी हुई होती है और पेड़ों के साथ लिपटी हुई होती है। तो आप समुद्री इलाकों की तरफ चले जाएं जहाँ प्लेन्स हैं तो उस तरफ भी ये बेल उगाती है। तो इसको अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए, अगर आपके आसपास नहीं है तो आप अपने गमले में लगा लीजिए। तो आप रोज़ इसका इस्तेमाल करिए, और खांसी जुकाम है आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप काढ़ा बना के इसका पी सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं, ये देखिए ये इस तरह से है ये, और ऐसे इसकी पत्तियां आते हैं, ये भी है। तो दोस्तों मैं तो किसी भी चीज़ में प्लांट्स लगाने में मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैंने तो ये खाली जो मेरे तेल का डिब्बा था तो मैंने इसमें लगा ली हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से है कुछ इस तरह से। और अभी आप बरसातों में लगाओगे तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से होगी। तो लगाना कैसे है इसको, ये ऐसे कटिंग्स मैंने ये ऐसे की हुई हैं और ऐसे सीधे मिट्टी में किसी भी, अगर आपके पास कोई खाली गमला नहीं है पहले भी लगा सकते हैं, और अगर ज़मीन का टुकड़ा है कहीं बड़ा है तो कहीं पेड़ लगा है तो पेड़ के नीचे इसको लगा सकते हैं। तो इसकी लंबी सी बड़ी सी बेल हो जाती है और पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। तो बस ये है कि सर्दियों में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं फिर ये खाली बेल दिखती है, पर दोस्तों कोई बात नहीं, वो जल्दी से इसकी पत्तियां भी आ जाती हैं और खाली पत्तियों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, क्योंकि इतने इतने ज़्यादा फायदे हैं इसके। तो अगर कुछ टाइम के लिए खाली पत्तियां भी रह जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों कैंसर के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है, और किसी को दांत वगैरह हो जाती है उसकी दांत ठीक नहीं होती है तो इसकी पत्तियों को मसल के अगर हम उसके जो इसमें जूस निकलेगा उस जूस को हम उस जगह पे लगाते हैं दांत वाली जगह पे तो दांत ठीक हो जाएगी। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण जल्दी से फेस पे रिंकल नहीं आते हैं, तो लंबे टाइम तक ये बुढ़ापे को दूर रखता है और बंदे को जवान बनाए रखता है। तो दोस्तों जवान रहना कौन नहीं चाहता, बूढ़ा होना कोई भी नहीं चाहता, तो इसलिए हमें इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो चाहे तो जैसे ये इसके डंठल हैं ये मैंने कुछ इस तरह से काटे हैं, ये देखिए ये इस तरह से काटे हैं, तो इसमें थोड़ा सा कसैलापन होता है, तो आप इसको सुबह चबा के खा भी सकते हैं, और या फिर इसके जो डंठल को छोटे छोटे काट के इनको जब आप कोई जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं जिस तरह से चाय बनाते हैं तो उस तरह से
ये काढ़े में इसको डाल सकते हैं और वो काढ़ा आप पी सकते हैं। ये बात जैसे कोई प्लांट लगा है तो उसकी साइड में ऐसे ही लगा दो, बस इस तरह से कुछ ऐसे मिट्टी में दबा दो, ये ऐसे दबा दो मिट्टी में ये ऐसे। और मैंने ये 3-4 कटिंग कर रखी हुई है, ये इस तरह से कुछ आप ऐसे दबा दो इस तरह से। और उसके बाद फिर आप इसमें पानी दे दीजिए, ये पानी दे दिया तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आपके पास छोटी सी क्यारी है तो क्यारी की साइड में लगा सकते हैं, और जब इसकी रूट्स बन जाती हैं और पत्तियां आ जाती हैं तो फिर इसको आप अपने मनपसंद जगह में शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी बड़े पॉट में लगा लीजिए, चाहे तो क्यारी में ही लगा लीजिए। कोई पेड़ लगा है साइड में तो पेड़ से ये बेल ऐसे ही निपटी रहेगी, तो आप कैसे भी इसको चढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा गिलोय का प्लांट जो बहुत ही फ़ायदे देता है, और कैंसर के मरीजों को भी ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये खूब अच्छा रखता है, और कई सारी बीमारियों को ये दूर रखता है। तो दोस्तों अगर जिन भाई बहनों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो नेट में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको इसके भरपूर गुणों के बारे में इसका पता चलेगा। तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं, हमारे घर में भी ये प्लांट ज़रूर होना चाहिए। और पानी तो बिना पानी के भी ये काफ़ी दिनों तक टिक जाता है। तो जैसे कि आपने इसकी कटिंग लगानी है शुरू शुरू में, जैसे ये ऐसे कटिंग करके लगानी है, तो जब तक रूट्स नहीं आती तब तक तो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद तो फिर ये नॉर्मल जैसे बाकी प्लांट्स को पानी देते हो तो वैसे, और बस ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा ठीक होना चाहिए और किसी भी तरह की मिट्टी में ये ग्रो कर जाएगा। नमस्कार जी, मैं मंजू, आज मैं आपसे एक और मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों इस प्लांट का नाम है गिलोय। आप सबने हो सकता है इसका नाम सुन रखा हो, या फिर कुछ लोगों ने ना भी सुना हो। तो अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों आयुर्वेद में इस प्लांट का जो ये जड़ी बूटी है बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और स्टार्च भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों इसमें जैसे किसी को पुराने से पुराना बुखार हो और वो ठीक नहीं होता हो, तो ये बुखार को उतारने की क्षमता रखता है। अगर हम इसका रोज़ प्रयोग करें तो हमें बुखार आएगा ही नहीं। और छोटे बच्चों को जैसे खांसी जुकाम हो जाता है और कफ वगैरह ये रहता है, इसकी ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उनको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, तो उसको ठीक करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से हैं, ये देख रहे हैं आप, और ये ऐसी इस तरह से इसकी बेल होती है इस तरह से। तो दोस्तों ये इस प्लांट को अमृता के नाम से भी जाना जाता है। तो अमृता से मतलब इसमें कुछ अमृत जैसे गुण होंगे तभी तो इसका नाम अमृता पड़ा होगा। तो ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है। अगर हमारे पास जगह का ज़्यादा टुकड़ा नहीं है तो हम इसे गमले में